लिखेंगे some other methods. Good morning. Some other methods related to accounting of byproduct. देखिए अभी आपने जो बाय प्रोडक्ट को लेकर पढ़ा वो मेथड था रिवर्स कॉस्ट मेथड या एनआरवी मेथड, बट बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ और मेथड्स भी बताए गए हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे उन अदर मेथड्स के ऊपर. मेथड वन, अदर इनकम और मिसलेनियस इनकम. इनकम मेथड बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग करने का एक और मेथड हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं अदर इनकम या मिसलेनियस इनकम मेथड. ये मेथड क्या बोलता है सुनना, ये मेथड हमें क्या बताएगा, लिखे Under this method, sale value of byproduct, is credited. Is credited to the profit and loss account. And no accounting in costing. देखिएगा बहुत सिंपल सा मेथड है. ये क्या बोलता है कि आपकी बाय प्रोडक्ट की जो सेल वैल्यू है ना उसे आप अपने कॉस्टिंग में कहीं काम में ही मत लाओ. सिंपली जितनी भी सेल वैल्यू हो रही है उस सेल वैल्यू को आप अपनी अदर इनकम मानते हुए पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दो. जो कॉस्टिंग पीएनएल बनेगा डायरेक्टली वहां ले जाओ, कहीं भी प्रोसेस अकाउंट्स में कहीं भी मेन प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसको एडजस्ट मत करो. सिंपली इसे केवल क्या कर दिया जाएगा, लिखें पॉइंट नंबर टू, सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, क्रेडिटेड एज अदर इनकम.
क्रेडिटेड एज अदर इनकम, यानी पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा अदर इनकम। ऑल कॉस्ट, ऑब्लिक एक्सपेंसेस should be charged against main product ये लीजिए, यानी आपको अभी अपन जो काम कर रहे थे कि टोटल जॉइंट कॉस्ट में से पहले सेल वैल्यू माइनस कर रहे थे, फिर बची हुई कॉस्ट को मेन प्रोडक्ट मानते थे, लेकिन जब मैं इस मेथड को फॉलो करूंगा तो बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को इमीडिएटली पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा और जितनी भी कॉस्ट लगी है जो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है वो केवल और केवल किसकी मान ली जाएगी, मेन प्रोडक्ट की मान ली जाएगी। अब बात आती है कि ये मेथड यूज कब करते हैं, तो देखिएगा जब बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, बहुत थोड़ी सी होती है, तो उस केस में हम इतना सारी वर्किंग बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग के लिए नहीं करते हैं और तब हम मिसलेनियस इनकम मेथड काम में ले सकते हैं। तो लिखें This method is used where sale value of byproduct is negligible. तो ही इस मेथड को यूज किया जाता है। और अब बात ही आती है कैसे पता लगे कि नेग्लिजिबल है, तो देखिए आपको ये मेथड यूज नहीं करना है। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए वो सब हमारे रिवर्स कॉस्ट मेथड से थे। प्रैक्टिकली ये मेथड साइंटिफिक न होने की वजह से इसको ऑप्ट नहीं किया गया, लेकिन हाँ अगर मान लीजिए मैनेजमेंट को लगता है कि आपको बाय प्रोडक्ट के लिए मिसलेनियस इनकम मेथड काम में लेना है तो फिर आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। यानी ये मेथड तभी लगाओगे जब आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि मैनेजमेंट ने या कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि भैया बाय प्रोडक्ट के लिए हमें मिसलेनियस इनकम मेथड काम में लेना है। तो अगर मिसलेनियस इनकम मेथड काम में लेना है तो फिर आपको इसकी कोई अकाउंटिंग करनी ही नहीं है। आप अपनी जॉइंट कॉस्ट जो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट हो जाएगी और बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को सेपरेटली पीएनएल अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ये थ्योरी पर्पस से आपके पास होते हैं कि अगर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना हो कि भाई और क्या क्या मेथड्स होते हैं। मेथड टू, टोटल कॉस्ट लेस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मेथड नंबर टू, अब देखिएगा ये मेथड क्या है, देखिए अभी तक आपने जो भी अकाउंटिंग की तो बाय प्रोडक्ट की आपको केवल और केवल फाइनल सेल वैल्यू दे रखी होती थी। यानी कुछ आपके पास जो क्वेश्चन होता था वो इस तरह से होता था, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपने एक कॉमन प्रोसेस किया
आपने एक कॉमन प्रोसेस किया इस कॉमन प्रोसेस से एक तो बना मेन प्रोडक्ट और एक बना आपका मान लीजिए बाय प्रोडक्ट। ठीक है, फिर आपको डेटा दे रखा होता है, इस बाय प्रोडक्ट को आप फर्दर प्रोसेस किया और फिर आपने इसको सेल किया। अभी तक आपने जो मेथड यूज किया रिवर्स कॉस्ट मेथड, वो एक अजम्पशन पर बेस्ड था कि हमने बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भेजा, यानी ये बाय प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पर तो बिकता ही नहीं है। जब तक मैं इस बाय प्रोडक्ट को, आप किसी भी क्वेश्चन को देख लीजिए, आपके पास बाय प्रोडक्ट की स्प्लिट ऑफ की सेल नहीं थी, तो आपने रिवर्स कॉस्ट मेथड से स्प्लिट ऑफ तक पहुंचे और फिर आपने उसको एडजस्ट किया। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेथड नंबर टू ये बोल रहा है कि बाय प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पर भी बिक सकता है। यानी अब अगर मुझे बाय प्रोडक्ट की फाइनल सेल वैल्यू तो दे दी गई, साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट की स्प्लिट ऑफ सेल भी दे दी। ये लीजिएगा, मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे पता लग रहा है क्वेश्चन में, आपने जो मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट बनाया तो आपके पास बाय प्रोडक्ट की स्प्लिट ऑफ सेल की वैल्यू भी आ चुकी है। अब फर्दर प्रोसेस के बाद की सेल वैल्यू तो दे ही रखी है, लेकिन अब की बार साथ में स्प्लिट ऑफ सेल भी दी हुई है, तो हमें ये मेथड काम में लेना चाहिए। तब हम इस मेथड को काम में लेते हैं, तो लिखेंगे दिस मेथड इज सुटेबल एप्लीकेबल व्हेन सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज given, then when sale value at split of point is given for by product, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए, by product की split of की sale given नहीं थी आपको, आपको directly by product की एक final sale value पता थी, तो आप रिवर्स कॉस्ट मेथड फॉलो कर लेते थे। लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट की भी स्प्लिट ऑफ सेल की सेल वैल्यू दी हुई है, तो आप इमीडिएटली इस मेथड को लगा देना, जैसे ही आपको बाय प्रोडक्ट की स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यू मिल जाए। यानी As per this method, total joint cost should be reduced by total joint cost should be reduced by sale value of by product।
एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो देखिएगा एज पर दिस मेथड टोटल जॉइंट कॉस्ट शुड बी रिड्यूस्ड बाय द सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यानी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उठाऊंगा टोटल जॉइंट कॉस्ट, फिर इस टोटल जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ये सेल वैल्यू कौन सी है, एट स्प्लिट ऑफ, एट स्प्लिट ऑफ, ये लीजिए। तो ये आपके पास जॉइंट कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट आ जाएगी। ये लीजिएगा, ये आपके पास एक मेथड ये हो गया। पहला मेथड है आपका मिसलेनियस इनकम मेथड या अदर इनकम मेथड, और दूसरा मेथड है आपका कि टोटल कॉस्ट लेस सेल वैल्यू मेथड। सर जैसे अपन एनआरवी में टोटल जॉइंट कॉस्ट में से शेयर, ये शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट माइनस करते थे इसका बाय प्रोडक्ट का, हाँ, फिर आता था मेन प्रोडक्ट का, तो इसमें बस डायरेक्ट बस सेल वैल्यू हो गई। हाँ, क्योंकि बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ पर अवेलेबल है मेरे पास। भाई एक्चुअली में रिवर्स कॉस्ट मेथड इसलिए यूज हो रहा था क्योंकि आपको बाय प्रोडक्ट की स्प्लिट ऑफ की सेल वैल्यू नहीं पता थी। ठीक है, तो अगर स्प्लिट ऑफ की सेल वैल्यू नहीं पता थी तो हम रिवर्स चलते थे और स्प्लिट ऑफ तक पहुंचते थे हम। लेकिन जब मेरे पास क्वेश्चन में स्प्लिट ऑफ लेवल पर ही सेल वैल्यू गिवन है तो मैं डायरेक्टली उसी को माइनस कर दूंगा, तो रिमेनिंग कॉस्ट मेरी क्या आ जाएगी, उसकी मेन प्रोडक्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड नंबर थ्री है रिप्लेसमेंट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप देखिएगा ये मेथड कैसे यूज होता है। देखिएगा ये बेसिकली ऐसे बाय प्रोडक्ट के लिए यूज होता है जिनको बनाने के बाद एंटिटी खुद ही कंज्यूम कर लेती है क्योंकि वो इनको मार्केट में बेचती नहीं है। जैसे मान लो आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, अब उस प्रोडक्ट में आपका एक बाय प्रोडक्ट बना। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल मेथड है बेसिकली। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट जब आप ढूंढने जा रहे हो तो एक तरफ तो ये, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूं, ये आपने एक कॉमन प्रोसेस किया, इस कॉमन प्रोसेस से एक तो बना आपका मेन प्रोडक्ट और एक बना आपका बाय प्रोडक्ट। एक तो बना मेन प्रोडक्ट और एक बना आपका बाय प्रोडक्ट। अब इस बाय प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेचने के बजाय ओन कंजम्पशन कर रहे हो।
आप इसका क्या कर रहे हो, ओन कंजम्पशन कर रहे हो, जिसको हम एक और नाम देते हैं टेक्निकली, जिसको बोला जाता है कैप्टिव कंजम्पशन। यानी आप इस प्रोडक्ट को बाहर नहीं बेच रहे हो, तो आपके पास इसकी सेल वैल्यू अवेलेबल नहीं है। भाई आप सीधी सी बात है, सेल वैल्यू तो आपको तभी अवेलेबल होगी जब आप इस प्रोडक्ट को आउटसाइड मार्केट में बेचोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंपनी ये जो भी बाय प्रोडक्ट बनाती है, इसका कंजम्पशन खुद ही कर लेती है और इसको मार्केट में सेल नहीं किया जाता। तो अब बात यह आती है कि इस तरह के प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे देखा जाए, तब जाकर ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड यूज होता है। यानी हम क्या करेंगे, अपने इस बाय प्रोडक्ट की, जिसको कि हमने ओन कंजम्पशन कर लिया, इसकी मार्केट में जाकर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ढूंढेंगे। यानी अगर ये बाय प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, हम बाजार से लेने जाते, मान लो कि हम ये बाय प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे होते, तो हमें ये प्रोडक्ट अपने ओन कंजम्पशन के लिए मार्केट से खरीदना पड़ता। तो ये बाय प्रोडक्ट आज मार्केट में जिस प्राइस पर मिलता, हमारे बाय प्रोडक्ट की भी वैल्यू क्या मान ली जाएगी, उतनी ही मान ली जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना। मैंने एक कॉमन प्रोसेस किया, कॉमन प्रोसेस से बना एक तो मेन प्रोडक्ट और एक बना बाय प्रोडक्ट। लेकिन ये बाय प्रोडक्ट मैं मार्केट में सेल नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये बाय प्रोडक्ट मैं खुद ही कंज्यूम कर रहा हूं। यानी जो एंटिटी है वो बाय प्रोडक्ट को खुद ही कंज्यूम कर रही है। तो अब समस्या ये आई कि ऐसे बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू तो आपको नहीं मिल पाएगी, सेल वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको मार्केट में बेच ही नहीं रहे हैं, हम इसको ओन कंजम्पशन खुद के लिए काम में ले रहे हैं। तो अब बात ये आई कि ऐसे बाय प्रोडक्ट को कैसे वैल्यूड किया जाए, कैसे अकाउंट फॉर किया जाए। तो एक मेथड बनाया गया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। व्हाट डज इट मीन? अगर ये बाय प्रोडक्ट जो कि मैं खुद कंज्यूम, मेरी लाइनों को बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये बाय प्रोडक्ट जो कि मैं ओन कंजम्पशन के लिए काम में ले रहा हूं, अगर बाजार से खरीद कर लाता, क्योंकि तो मुझे चाहिए, बट अभी तो मैं खुद बना पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं ये ना बनाता तो बाजार से खरीद के लाता, तो अगर ये ना बनता तो बाजार से खरीदने पर मुझे जितनी कॉस्ट पे करनी होती, वो इस बाय प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहलाती है। चलिए मैं आपको इस बात को एक बार पहले लिखवाता हूं, लिखोगे। इफ बाय प्रोडक्ट, इफ बाय प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड कैप्टिवली, उन कंजम्पशन को बोला जाता है कैप्टिव कंजम्पशन। इफ बाय प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड कैप्टिवली, दे आर वैल्यूड। हां जी बिल्कुल, इफ द बाय प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड कैप्टिवली, दे आर वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है, मैं इस हाइपोथेटिकल अजम्पशन पर काम कर रहा हूं कि अगर ये प्रोडक्ट मैं बाहर से खरीद के लाता तो कितने में पड़ता, वही मेरे इस बाय प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई। भाई एक बहुत नॉर्मल सी बात है ना, ये चीज आप सोच के देखो, हाइपोथेटिकल है बट ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि हालांकि ये बाय प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं क्योंकि तो बन ही रहा है, क्योंकि मेन प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट तो इंसिडेंटली बन रहा है, लेकिन मैं इसका वैल्यूशन करने के लिए एक अजम्पशन ले रहा हूं कि अगर ये बाय प्रोडक्ट मैं खुद न बनाता तो
तो मैं इसे बाजार से खरीद के लाता, और अगर बाजार से खरीद के लाता तो वहां जो प्राइस मुझे देनी पड़ती वही कॉस्ट मेरे बाय प्रोडक्ट की क्या मान ली जाएगी, कॉस्ट मान ली जाएगी। तो यानी जब भी बाय प्रोडक्ट कैप्टिवली कंज्यूम्ड होते हैं तो उनका जो वैल्यूएशन किया जाएगा वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर किया जाएगा। लिखें रिप्लेसमेंट कॉस्ट मींस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मींस कॉस्ट विच वुड have been incurred, which would have been incurred if byproduct purchased from outside ये लीजिए। रिप्लेसमेंट कॉस्ट उस कॉस्ट को बताती है कि अगर ये बाय प्रोडक्ट जो कि हम तैयार कर रहे हैं, अगर हमारे तैयार करने के बजाय अगर हम इसे आउटसाइड मार्केट से खरीदते तो क्या होता। इस मेथड को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। मेथड नंबर 4 स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। सर उसमें जैसे डायरेक्टली है ना, मतलब जो कॉस्ट लगी बस वही कॉस्ट लिख देंगे ना, मतलब बिल्कुल जो कॉस्ट, यानी जैसे आज मैं मार्केट से उसको 1200 रुपए में खरीद के लाता तो मैं मान लूंगा कि इस जॉइंट और ये जो मेरा बाय प्रोडक्ट बना इसकी कॉस्ट 1200 रुपए है। ओके, रिप्लेस कर दिया मैंने, सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको बस। आइएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। अब देखिएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड बेसिकली टेक्निकल असेसमेंट पर बेस्ड है। अब ये एक और थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल मेथड है। ये मेथड ये बोलता है कि बाय प्रोडक्ट का वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कॉस्ट पर किया जाए और स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो असेसमेंट है ना वो टेक्निकल असेसमेंट होता है, यानी मैनेजमेंट करता है। तो यानी मैनेजमेंट के द्वारा बताई गई वैल्यू को ही आप बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट मान लोगे। तो इसमें लिखो under this method by product is valued तो सर ऊपर वाले को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड क्यों बोला है? क्या चीज? ये रिप्लेसमेंट वाले को अपॉर्चुनिटी इसलिए बोला ना क्योंकि अगर मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूं तो मैं उसे बाजार में बेचे जाने की संभावना से हटा दिया मैंने। हाँ तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो आ गई है मेरी। तो भाई अगर मैं खुद कंज्यूम न करता तो मार्केट में भी तो ये बिक सकता था ना। हाँ इसलिए इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल रहे हैं। भाई समझो मैं ये बोलूं कि भाई अगर मैं इसे खुद कंज्यूम न करता तो आज ये मार्केट में 1200 रुपए का बिक सकता था। यस सर। तो इसलिए दैट विल बी कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। मैं इसको दो सेंस में बात कर सकता हूं, इसीलिए दोनों को एक ही साथ हमने डिस्कस किया। ओके। क्योंकि अगर मैंने खुद कंज्यूम न किया होता तो फिर ये मार्केट में तो बिकता ना, और मार्केट में उसी प्राइस पर बिकता जितने में अदर बाय प्रोडक्ट बिक रहा है। तो वो मेरी क्या हो गई, ओन कंजम्पशन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई।
अंडर दिस मेथड बाय प्रोडक्ट इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. Standard cost is based on technical assessment and decide by management. इसमें हमारा कोई रोल नहीं है. स्टैंडर्ड मैनेजमेंट बनाता है. स्टैंडर्ड का मतलब जानते हो, कुछ एक ये डिसाइड करना. मैनेजमेंट टेक्निकल असेसमेंट करके सोचता है कि यार इस पर वापस बोलो ना, इंटरनेट स्टेबल नहीं. स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो मतलब होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है कुछ ऐसे पैरामीटर्स डिसाइड करना जिसके आधार पर वैल्यूएशन किया जाता है. और वो पैरामीटर कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट डिसाइड करेगा. मैं या आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो? कुछ टेक्निकल असेसमेंट किए जाते हैं और टेक्निकल असेसमेंट के बेसिस पर कुछ पैरामीटर बनाए जाते हैं और उन पैरामीटर्स के आधार पर ही स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड होती है. तो थ्योरिटिकल है, कब यूज होगा हम नहीं कह सकते. जब मैनेजमेंट ने बोल दिया तो यूज होना है बेसिकली. कि मैनेजमेंट ने बोल दिया कि हमने टेक्निकल असेसमेंट कर लिया है और ड्यू टू द टेक्निकल असेसमेंट इस पैरामीटर के आधार पर हमने ये डिसाइड कर लिया कि इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो इतनी होनी चाहिए. तो बस हम एज इट इज क्या करेंगे, मैनेजमेंट ने जो कॉस्ट दी हम उस कॉस्ट को क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे. और इसीलिए इस मेथड को क्या बोला जा रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड बोला जा रहा है. ठीक है. तो सर जो अपन चार्ज करेंगे कहां पे करेंगे, मतलब टोटल प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे उसको. भाई बाय प्रोडक्ट की तो कॉस्ट ढूंढ रहे हैं ना अपन. मैनेजमेंट ने बोल दिया कि इतनी कॉस्ट मान लो बस इसकी. टोटल 1.5 लाख रुपए लगे थे मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट को बनाने में. इसमें से बाय प्रोडक्ट के लिए आप 8,000 रुपए मान लो बस. तो मैनेजमेंट ने अगर डिसाइड कर दिया तो मैं मैनेजमेंट के ऊपर जाकर काम नहीं कर सकता. मेथड नंबर 5 लिखें. मेथड नंबर 5 टोटल कॉस्ट लेस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट. सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट After setting off selling and distribution overhead overheads of byproduct. आप देखिए ये अननेसेसरी बनाए गए मेथड हैं. बेसिकली 4 मेथड तक आपकी बातें खत्म हो गई और 5वां आपका था रिवर्स कॉस्ट मेथड. ये बेसिकली वैसे तो 6ठा मेथड हो गया. ध्यान रखना मैंने यहां पर अदर मेथड्स में ये 5वां लिया है. ओरिजिनली ये 6ठा मेथड हो गया क्योंकि एक मेथड बाय प्रोडक्ट का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवर्स कॉस्ट मेथड. अब देखो ये मेथड एक अलग ही बात कह रहा है.
सुनना, ये मेथड इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि जब आप बाय प्रोडक्ट को बेचने जाओगे तो चूंकि बाय प्रोडक्ट मार्केट के वेल नोन प्रोडक्ट नहीं होते हैं तो आपको उनको बेचने के लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं। देखिए क्या होता है, मार्केट में दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक वेल नोन प्रोडक्ट और एक जो कि वेल नोन प्रोडक्ट नहीं है। अब आप सोचिए, अगर आपको एक वेल नोन प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है तो उसके लिए तो आप आसानी से मार्केट ढूंढ सकते हो, लेकिन ऐसे बाय प्रोडक्ट जो कि वेल नोन प्रोडक्ट नहीं है, अब उनका मार्केट तो अवेलेबल ही नहीं है, तो उनका मार्केट क्रिएट किया जाता है। मेरी बात को सुनना, अगर मैं कोई ऐसा बाय प्रोडक्ट बना रहा हूं जिस बाय प्रोडक्ट का मार्केट वेल नोन मार्केट नहीं है, तो मुझे उस मार्केट को क्रिएट करना पड़ता है थ्रू सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट करके, सेल्स प्रमोशन करके। तो ये मेथड ये बोल रहा है कि आप क्या करोगे वो सुनना, बाय प्रोडक्ट की जो भी सेल वैल्यू है उसमें से उस सेल वैल्यू से रिलेटेड खर्चे हटाओगे। पहले तो अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे ना तो आपको मेथड ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। मुझे क्या करना है, बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू लेनी है, उस सेल वैल्यू में से माइनस कर दूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फिर जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी, वो रिमेनिंग वैल्यू टोटल कॉस्ट में से डिडक्ट कर दी जाएगी। यानी अंडर दिस मेथड सबसे पहले लिखूंगा टोटल कॉस्ट, जिसमें मेरी मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट दोनों की बात है, इसमें से लेस करूंगा सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, ये नेट वैल्यू आएगी, इस नेट वैल्यू को यहां से माइनस कर दूंगा। ये लीजिए, ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट आ जाएगी। तो अननेसेसरी एक मेथड बनाया गया, हालांकि देखिए बात वही आ गई, ये भी एक तरह से रिवर्स कॉस्ट हो गया, बस इसमें प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में ये माना गया था इस मेथड को बनाते समय कि बाय प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्रिएट करनी पड़ रही है, तो हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, हम सिंपली उस बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट टू कॉस्ट में ही सेल कर रहे हैं, हमारे पास प्रॉफिट्स कमाने का कोई मौका नहीं है। क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचे ही नहीं जाते हैं, मार्केट में वेल नोन प्रोडक्ट नहीं है, सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है, तो सेलेबल नहीं है तो हम सेल को क्रिएट करना चाह रहे हैं, और क्रिएट करने के लिए हमने कुछ खर्चे किए, तो बस उसी बेसिस पर आपने अपनी बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग को ले लिया। ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, हालांकि देखिए अब ऑनलाइन पेपर में इतना बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट हाँ फॉर एग्जाम्पल आपसे वो ये पूछ लें कि बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग के डिफरेंट मेथड्स के नाम लिखो, तो फिर कम से कम आपको ये नाम तो याद होने चाहिए कि ये जो 5-6 नाम है आपके, ये आपको ध्यान रहेंगे। बताइए क्लियर है सारे मेथड, और एक सिक्स मेथड में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सिक्स मेथड क्या था आपका, रिवर्स कॉस्ट मेथड, रिवर्स कॉस्ट मेथड, तो वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई रिवर्स कॉस्ट मेथड में हम किस तरह से या
जिसको हम एनआरवी मेथड भी बोलते हैं, तो वो भी बाय प्रोडक्ट का सबसे मेन मेथड, तो देखिए बाय प्रोडक्ट का वही है। आइए अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हमारे और बचे हुए हैं और डिफरेंट हैं, जरा उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी करवा देता हूं। आइएगा क्वेश्चन नंबर वन, सीएम स्टडी मटेरियल। देखिए इसने क्या बोला है, द फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स साउथर्न कोक कंपनी लिमिटेड। आपको अलग अलग पांच जॉइंट प्रोडक्ट दिए हुए हैं और उनकी फिजिकल यूनिट आपको दी हुई है, ठीक है। अब आपसे ये बोला गया है कि आपके पास एक तो मटेरियल लग रहा है जो 80 रुपए पर टन है, इसके अलावा स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक पहुंचने में एक तो लग रही है लेबर कॉस्ट जो 40 रुपए है और एक लग रहे हैं ओवरहेड जो 60 रुपए है। आपको ये बताना है मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट बेसिस ऑफ वेट्स। हर प्रोडक्ट को वेट्स के बेसिस पर लेना है। आओ मेरे पास एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है। अब प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कोक, कोल, बेंजोल और गैस। ये लीजिए मुझे इनकी क्वांटिटी यानी आउटपुट दे रखा है। आउटपुट कितना कितना है इसका? सर ये एलबी का क्या मीनिंग है? क्या एलबी लिखा हुआ नहीं, यील्ड इन एलबी ऑफ रिकवरी। ये मेजरमेंट होता है एलबी इसका, कोल से जो बन रहा है इसकी फुल फॉर्म क्या थी देखना पड़ेगा। एलबी बेसिकली एक आउटपुट का वो है, मेजरमेंट है, जैसे अपन लीटर वगैरह नहीं बोलते हैं। हाँ, उसी तरह से कोल के एक्सट्रैक्शन पर होता है ये। ये 120 है, ये 22 है, ये 26 है और ये लीजिए, ये मैंने इनकी फिजिकल यूनिट लिख दी। अब सबसे पहले मुझे लेनी है मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले मुझे क्या लेनी है, मटेरियल कॉस्ट। कितनी दे रखी है मुझे मटेरियल कॉस्ट बताइए? 80 पर टन कोल। 80 दे रखी है, 80 को ही बांट दो। मैंने आपको कहा था दो तरीके हैं, पहले इसको 2000 से मल्टीप्लाई करो फिर रेशियो में बांटो, या डायरेक्ट बांट दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो मैं ये बोलूंगा 80 रुपए पर टन डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1420, बताओ इसका हिस्सा कितना आ गया। आ जाओ अस्सी डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 120, सर ये तो क्वांटिटी है ना, 2000 टोटल। क्वांटिटी के रेशियो में ही बांटना है ना, वेट के रेशियो में ही। भाई वेट के रेशियो में तो लिखा हुआ है, तो बस उसी रेशियो में बांट रहा हूँ मैं। जी तो सिर्फ कोल की रेट ही है ना, तो कोल का तो सिर्फ पहले मटेरियल को बांट रहा हूँ। रुको तो सही, उसने बोला है एलिमेंट वाइज बांटो। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीन जॉइंट कॉस्ट लगी है, तो तीनों को बांटूंगा ना मैं अलग अलग। क्या हो गया बताओ? एक और क्वेश्चन किया तो था जिसमें आपने मटेरियल, लेबर और सबको अलग अलग बांटा था।
हाँ सर बस वही इस क्वेश्चन में मांग रहे, ये हो गया 1.04 412, तो ये आ गया 16.48। लेबर कॉस्ट कितनी है? 40 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1420, 40 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1420, तो ये आ गया 28.4। यहां पर आ जाओ, 40 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 120, तो 120 से अगर इस फैक्टर को 2.40, 40 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 22, इंटू 26 के हिसाब से कर दोगे 0.52, चार सौ बारह के हिसाब से निकाल दोगे तो 8.24, और इसी तरह से आ जाएगा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स की टोटल वैल्यू क्या दे रखी है? 60। तो 60 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1420, 42.6 आ गया। 60 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 120, 3.6 आ गया, 0.66। 22 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सॉरी 60 है ना, ये 26 करोगे 0.78 आ गया, 12.3, और 412 से कर देंगे तो 12.36 आ जाएगा। अब आपको हर प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है। 56.8 प्लस 28.4 प्लस 42.6, 127.8 इस प्रोडक्ट पर एलोकेट हो जाएगी। 4.8 प्लस 2.4 प्लस 3.6, 10.8 इस प्रोडक्ट पर एलोकेट हो गई। 0.88 प्लस 0.44 प्लस 0.66, 1.98 इस प्रोडक्ट पर एलोकेट हो गई। 1.04 प्लस 0.52 प्लस 0.78, 2.34 यहां एलोकेट हो गई। 16.48 प्लस 8.24 प्लस 12.36 आ गया 37.08। ये लीजिए, तो मेरे पास जो पर यूनिट की कॉस्ट थी ना, उस पर यूनिट की कॉस्ट को मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स में क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। थैंक यू सर।